जी न्यूज़ के फतेह नवाज साहब है, हम न्यूज़ के वहीद साहब हैं, खैबर टीवी के तुम्हें बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, सबसे पहले आए, और अमीदुल्ला साहब है, इकबाल खान साहब हैं, हम टीवी आप एक शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और दिलावर शाह साहब हैं, वाश टीवी के फयाज अहमद साहब जो भाई है मेरे इंडिया में भी, और मैं उसका अगर आपकी इजाज़त हो मैं पढ़ के सुना, ये आपके पास है साहब। मेरे मोहतरम साफ़ी तालिम निगार भाइयों, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज इंतहा खुशी का मुकाम है कि आप हजरत अपने तसरात बयान कर रहे हो। मैं जंगलात और जंगली हयात गोवर साहब है, मुझे ये बोलते हुए कि हमारा पाकिस्तान अभी तक क्यों कायम है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, ये इनकी काम बाद में हमारे जो इंश्योर कराएगी फोरम से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से, कि ये चीज़ें आइंदा नहीं होगी। मैंने कहा ये 17 करोड़ पे बहुत बड़ी का उसमें भी है। लास्ट टाइम मैं सॉरी अपने बहुत मौजूद मेहमानों को जो रिसोर्स पर्सन हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मोहम्मद आरिफ साहब और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अली गौर साहब, ये रेड प्लस के वो भी है, एक्सपर्ट्स भी हैं। लास्ट टाइम कोई 3.5 करोड़ का वर्ल्ड बैंक ने उनको दिया था पाकिस्तान वालों को, इस्लामाबाद में कुछ साफी असरा थे, तो मैंने काम में भी गुस्से होते, लेकिन केपी में मैंने ये चीज़ देखी है, ये आर प्योरली प्रोफेशनल। मुझे खुशी भी है, मैं इनके लिए तालियां भी रिकमेंड करूँगा। शेयर करें आपस में, वाकई इनकी बात जैसा मेरा साहब ने बताया, टेररिज्म के बाद अगर हम मौसमियाती तब्दीली को उस जाए तो शायद उसके बाद वापसी का कोई रास्ता हमारे पास ना हो। रेड प्लस के मुतालिक थोड़ा सा उसी मुद्रे से, तो उसी में से दे देते हैं जो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। इसी तरह जब आप लोग कम से कम शाम को अफ्तार पे हाजिर तो कंफर्म करो, वो तो पक्की बात है। 1750 तक 1750 तक जमींदारी होती थी और कारोबार बिजनेस सब कुछ जेंट्स में होता था, जिसकी इब्तिदा बर्तानिया से हुई, कपड़े बनाने के कारखाने लगे, तो इन कारखानों के लगने से और ये वो तवानाई जलाकर लकड़ी और कोयले जलाकर पानी से, पानी भी उस जमाने में भी इस्तेमाल होता तो बतौर तवानाई इस्तेमाल करना, जब इंसान ने शुरू किया तो बस वही इब्तिदा थी। अच्छा, ये जो 3 पूल्स में कार्बन अल्लाह ताला ने तकसीम की थी तो वो अल्लाह की तकसीम थी, निजाम चल रहा था, जमीन के अंदर जो कार्बन थी उसको तो कोई छेड़ नहीं रहा था। हाँ अलबत्ता क्योंकि उस जमाने में भी दरख्त होते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह ये होती थी, तो दर उस जमाने में भी जब होते थे तो फिजा से एक और असल मसला तब पैदा हुआ जब जमीन के अंदर